हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल जो कि 21,391 पोस्ट पर भर्ती आई हुई है। बात करेंगे इसके सबसे बड़ी समस्या एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर है, तो इसका अब तक का क्या अपडेट है और कब से आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है, कब से आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, ये सभी कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट भर्ती का अपडेट आपको मिल सके, छोटी बड़ी भर्ती से रिलेटेड हर अपडेट आपको मिल सके सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीएल और ईडब्ल्यूएस पर। देखिए कई भाई को तो बिल्कुल नहीं पता कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस क्या है और सबसे बड़ी यही समस्या है कि उन्हें पता नहीं है, ठीक ना। और जिन भाई को पता है वो सबसे ज्यादा इस टाइम दुखी है कि ये हो क्या गया है। जिन्होंने पहली बार इस फॉर्म को फिल किया है उनको तो मत पूछो, उनका तो भरना ही बेकार है, उनको ऐसा लग रहा है। तो देखिए दोस्तों घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी मैं आपको अपडेट देने वाला हूं, बस आप सबका सपोर्ट चाहिए। जिस तरह से पहले सीएसबीसी का डीवी हो रहा था ना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सेम उसी तरह होगा, बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, है ना। बेशक अगली भर्ती में वो कुछ भी करे, जिस तरह से करना करे, लेकिन इस भर्ती 21,391 पोस्ट पे जो भर्ती आई हुई है ना, इसमें पहले की तरह डीवी होगा। जो भी आपके पास बना हुआ है डॉक्यूमेंट्स वो आप ले जाइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बस आपका सपोर्ट चाहिए और इस पर मैं जल्दी आपको अपडेट देने वाला हूँ। बहुत बड़ी अपडेट रहने वाला अब तक का, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो 100% दोस्तों जैसे पहले डीवी हो रहा था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, किसी भी डेट का आप ले जाओ आपका डीवी हो जाएगा कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इश्यू नहीं होगा, है ना, वैसे ही होगा इस बार भी। बस आप सपोर्ट करें और जल्दी मैं आपको इस पर अपडेट दूंगा। और बात कर लेते हैं कि रिटर्न एग्जाम कब होगा। देखिये दोस्तों रिटर्न एग्जाम दिसंबर में होने की पूरी संभावना है, तो दिसंबर में होने की संभावना है लेकिन क्लियर नहीं है। जैसे कि सीएसबीसी ने शिफ्ट जारी किया था कि इस डेट में आपका रिटर्न एग्जाम कराया जा सकता है। देखिए दोस्तों उन्होंने, और गया में भी सेंटर उपलब्ध नहीं था तो इस बार गया में भी सेंटर उपलब्ध रहेगा। वैसे जितने भी शिफ्ट बनाए गए थे इसमें से 6 शिफ्ट लिए जाएंगे जिसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दिसंबर में एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है ना। जो ईओयू जो आर्थिक अपराध इकाई है जो जांच कर रही थी सबसे बड़ी, ये दिसंबर में अपना रिपोर्ट सौंपेगी, या जैसे ही रिपोर्ट आएगा इसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम करा लिया जाएगा। तो वो डेट क्या है वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा, किस दिन रिपोर्ट सौंपने वाली है आर्थिक अपराध इकाई। तो अभी इस पर फिलहाल ज्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन दिसंबर में रिपोर्ट सौंप सकती है। जैसे ही रिपोर्ट आएगा 100% दिसंबर के लास्ट वीक से आपका जो है रिटर्न एग्जाम देखने को मिल सकता है और ये 6 शिफ्ट रहेगा और जनवरी तक जाएगा। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसके बाद जो भी अपडेट आता है मैं आपको दूंगा। और इस वीडियो में बस इतना ही, और कल वीडियो नहीं आ पाया था किसी कारण, बस उसके लिए माफी चाहेंगे। और भर्ती से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।